नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। इसी महीने के 17 और 18 सितंबर को लेबनान और सीरिया में सबसे पहले पेजर्स में धमाके होते हैं और उसके बाद हिजबुल्ला के द्वारा जो वॉकी टॉकीज इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें धमाके होते हैं। जिस हिसाब से इस धमाके को अंजाम दिया गया था और जो इसके टारगेटेड ऑडियंस थे, इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया था कि इसके पीछे इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है और इसमें भी खास करके मोसाद का। इसी बीच अगर हम बात करें खास करके पेजर्स के बारे में, तो जब ताइवान बेस्ड कंपनी से बात की गई तो उनका कहना था कि वो अपने लाइसेंस को, या यूं समझ ले कि उन्होंने हंगरी बेस्ड BAC कंपनी को ऑथराइज कर रखा था कि आप हमारा लाइसेंस का इस्तेमाल करके पेजर्स बनाएं। इसी बीच हमारे सामने दो चेहरा सामने आता है। इनका नाम है क्रिस्टियना बारसोनी और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका जन्म भारत के केरला में होता है और इनका नाम है रिंसन होजे। ये दो चेहरा हमारे सामने आता है। चाहे हम पेजर धमाके के बारे में बात कर ले या वॉकी टॉकी धमाके के बारे में बात कर ले, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितने बड़े पैमाने पे इस प्लान को बनाया गया और जितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको अंजाम दिया गया और टिल द लास्ट मोमेंट किसी को मालूम नहीं पड़ा, ये सच में बताता है कि इसराइल कितना केपेबल देश है। और खास करके जब हम इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में बात करें, तब एक कंपनी जो ताइवान बेस्ड है वो अपने लाइसेंस को देता है हंगरी बेस्ड एक कंपनी को, उसके बाद इसका कनेक्शन जुड़ता है नॉर्वे के साथ, उसके बाद यहाँ से रोल आता है इसराइल का, फिर ये बम फूटता है सीरिया और लेबनान में। इस बीच ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इसका कनेक्शन कुछ और देशों के साथ में निकल के आए आने वाले दिनों में, लेकिन इस बात पे भी डाउट है कि क्या इसराइल सच में इस पूरे धमाके को या इस पूरे धमाके के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देगा। इसी प्रोसेस में आपको और भी बहुत सारे चीज समझ में आएंगे, वो ये है कि भले इसराइल और सीरिया या लेबनान, इनके संबंध आपस में बहुत ही खराब है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसराइल इनोसेंट लोगों को मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इनफैक्ट अगर हम US के बारे में भी बात कर ले, तो US भी बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि जो सिविलियंस के कैजुअल्टीज होते हैं उसको कोशिश करता है अवॉइड करने का, लेकिन ये चीज आपको इसराइल के केस में कंप्लीट तरीके से मिसिंग दिखता है। देखिए, ये हो सकता है कि हमारे बीच कुछ ऐसे भारतीय होंगे जो इसराइल के इस कैपेबिलिटीज या इस ऑपरेशन को देख के वो काफी खुश होते होंगे, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि भारत और इसराइल के बीच में संबंध इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि भारत इसराइल के इंटरेस्ट के सामने नहीं आता है, और उसके बाद इसराइल के लिए भी ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो पूरे दुनिया से नहीं लड़ सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर भारत इसराइल के इंटरेस्ट के सामने आएगा तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि इसराइल भी इसी तरीके से कुछ अटैक करने के बारे में सोचेगा जिस तरीके से अटैक वो आज के डेट में लेबनान, सीरिया या ईरान में करता है। तो इसका बहुत ही साफ मतलब है कि अगर हम अपने कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएंगे और हम बस दूसरे के कैपेबिलिटीज को अप्रिशिएट करते रहेंगे तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक बात किया जाए इसराइल के इस अटैक के बारे में, तो ऑलमोस्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है अलग अलग देशों के, वो ये मान रहे हैं कि बीते लगभग 10 सालों में या उससे भी अधिक टाइम पीरियड में कि इसराइल अपने कैपेबिलिटीज को बहुत ही गजब तरीके से इनहेंस किया है। जहां पे अगर आप इसी ऑपरेशन के बारे में बात करें तो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में एक शेल कंपनी को बनाना, फिर दूसरे कंपनी के लाइसेंस को इस्तेमाल करना और एग्जैक्टली या हूबहू कुछ वैसे ही डिवाइस को बनाना और उसके बाद लगभग 20 से लेके 60 ग्राम एक्सप्लोसिव को छुपाना और सही टाइमिंग पे उसको ब्लास्ट करना, इस चीज को अगर आप इनफैक्ट सिर्फ पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि ये प्लान जब आप बनाएंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको बहुत ही रिस्की प्लान लगेगा, या ये भी हो सकता है कि जो ऑफिसर्स रहे या वो देश रहे इस प्लान को कभी भी वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इसी बीच अगर हम बात करें तो इसराइल बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका है पॉसिबली हर तरीके का अटैक करने में, और वो बस यही ढूंढता रहता है कि किस तरीके से उसे एक लूप होल मिले जिस लूप होल का इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करे। इसी बीच अगर हम US के किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर की माने तो बीते कुछ सालों में इसराइल अपने आप को काफी केपेबल बनाया है, जहां पे वो ये कोशिश करता है कि जब कोई भी सामान किसी देश से उसके दुश्मन देश तक पहुंचे और बीच में वो जो कार्गो शिप है वो जहां जहां पे स्टॉपेज लेती है तो उस स्टॉपेज का फायदा उठा के ये कोशिश करते हैं कि जो कंपोनेंट्स पहुंचने वाला है उनके दुश्मन देश के पास उसमें कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो इनके दुश्मन देश है उसके बारे में इनको खबर मिलता रहे। इस केस में हम ये कह लें कि पॉसिबिलिटीज ये भी जनरेट होता हुआ दिख रहा कि कहीं सप्लाई चेन में कुछ डिसरप्ट करके उसमें एक्सप्लोसिव को मिलाया गया होगा, क्योंकि अब तक कहीं पे भी कोई फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए एग्जैक्टली कह पाना बेहद मुश्किल है कि इस पूरे ऑपरेशन को इसराइल किस तरीके से अंजाम दिया है। लेकिन इसी बीच दो बात तो हमारे सामने
बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहला बात कि जो कंपनी ओरिजिनली पेजर बनाता है यानी कि गोल्ड अपोलो, उनका साफ कहना है कि ताइवान में किसी भी तरीके से जो पेजर्स थे उसको नहीं बनाया गया। और उसके बाद जो वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हुए वो एक जापानीज बेस्ड कंपनी थी, उनका भी ये कहना है कि जिस मॉडल में धमाका हुआ उस मॉडल को भी वो कम से कम 10 साल पहले ही बनाना बंद कर चुके हैं। तो हमारे सामने 3-4 बातें तो काफी स्पष्ट है कि पहला, इसमें इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। दूसरा, पेजर ओरिजिनल कंपनी में नहीं बनाया गया है। तीसरा, जो वॉकी टॉकीज हैं उसको भी नहीं बनाया गया है ओरिजिनल कंपनी में या ओरिजिनल देश में। उसके बाद हमारे सामने दो चेहरा आता है। सबसे पहला चेहरा आता है क्रिस्टियाना बारसोनी का। ये BAC कंसल्टिंग कंपनी में CEO है, यानी कि ताइवान के जिस कंपनी यानी कि गोल्ड अपोलो ने BAC को लाइसेंस दिया था कि आप हमारा लाइसेंस का यूज करके पेजर्स को बनाएं। लेकिन जब हंगरी में और भी जो मीडिया एजेंसीज है जब वो पहुंचते हैं और BAC कंसल्टिंग के आसपास का या इनफैक्ट BAC कंसल्टिंग को जब वो देखते हैं तो वहां पे कंप्लीट तरीके से ताला बंद रहता है और उस कंपनी को देख के कहीं से भी ये नहीं लगता है कि यहां पे कभी भी पेजर्स को बनाया जा रहा था। और जहां तक बात किया जाए क्रिस्टियाना बारसोनी का, तो इनका अब तक पब्लिक में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जहां पे ये किसी भी तरीके से कोई क्लेरिफिकेशन दें कि इनको किसी भी तरीके से पेजर को बनाने का कोई रिक्वेस्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था या नहीं। और उसके बाद हमारे सामने दूसरा चेहरा आता है, इंडियन बॉर्न बिजनेसमैन जिनका नाम है रिंसन होजे। इनका जन्म भारत के केरला में होता है और ये फिलहाल नॉर्वे के सिटीजन है। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है नोटा ग्लोबल और ये कंपनी रजिस्टर्ड है बल्गेरिया में। और इनकी कंपनी के बारे में कहा जा रहा कि इन्होंने पेजर्स को सप्लाई किया था। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इन्होंने पेजर्स को किसको सप्लाई किया था और क्या सच में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था या नहीं मिला था। लेकिन जिस तरीके से इनके कंपनी का नाम आना या इनका नाम आना और इतने सारे देशों में या और इतने सारे देशों से कनेक्शन जुड़ना, ये कहीं ना कहीं बता रहा कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस का एक हाथ है और इसके पीछे बहुत सालों से जो इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका रोल रहा है। क्योंकि अब तक कहीं से भी एक फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ना ही तो कोई ऐसा डिमांड रेज किया गया है जहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात की गई हो। तो एग्जैक्टली ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर में रिंसन होजे या क्रिस्टियाना का सच में इसमें रोल है या नहीं। लेकिन एज पर मीडिया रिपोर्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा। और इस मामले के बारे में आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपके सामने और भी जानकारी आएगा और उन सब जानकारी को भी पढ़ के आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को या ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ये काफी लंबे सालों का मेहनत है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।